हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने मैं फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस ये ले लिए हैं, अपने पसंद का कपड़ा ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, आज हम रोटी रुमाल बनाएंगे और वो भी डिज़ाइनदार। आपको ऐसा डिज़ाइन यूट्यूब पर नहीं सिखाया गया होगा। तो ये देखिए, मैंने पीस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक मैंने ये ढक्कन लिया है, ये छोटे से डब्बे का ढक्कन लिया है, और इसको हम एक बोर्ड पे रखेंगे। ये हमने बोर्ड पे रख लिया, लाइन लगा ली, और हमें इतने बोर्ड का, ये इतना बड़ा बोर्ड हमें चाहिएगा फ्रेंड। तो इस बोर्ड की लेंथ है 4.25 इंच। तो 4.25 इंच है फ्रेंड्स, तो देखिएगा बिल्कुल 4.25 इंच। तो इस तरीके से हम ऐसा एक बोर्ड बना लेंगे, और उस बोर्ड बनाने के बाद हमें 10 पीस ये चाहिएंगे फ्रेंड्स। तो 10 पीस हमें ये चाहिएंगे, तो ये हो गया। और हमें एक सॉफ्ट, ये हमने पेस्टिंग ले ली है, ये सॉफ्ट वाली पेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो ये पेस्टिंग हमें ऐसे ले लेनी है, और हम इसको ऐसे राउंड राउंड करके इसको कट कर लेंगे। तो ये हमें 10 पीस चाहिए फ्रेंड्स, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है, ये मेरे 10 पीस तैयार है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो हमें ऐसे ही 10 पीस चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हो गया, और हम 10 पीस ये, 10 पीस ये भी हम कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये एक एक पीस लेके इस पर चिपका देंगे, प्रेस करेंगे। तो इस पर हम इस तरीके से रख के और इस पर प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद ये पीस हमारा चिपक जाएगा। तो हमें ये सारे पीस इस वाले पीस पर चिपकाने हैं फ्रेंड्स। तो मैं इन सब पे प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पीस हो गए। और इसको जोड़ने से पहले, इस पीस को चिपकाने से पहले, पहले कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई सलवट वगैरह कुछ ना रहे, और अच्छे तरीके से हमारा ये जुड़ जाए। तो देखिए, इसे जोड़ने से पहले मैंने प्रेस कर लिए थे दोनों पीस पे, आप भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से जुड़ गया है। अब क्या करेंगे, एक पीस ये लेंगे और एक पीस ये लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पीछे इसको रखना है, आगे नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, पीछे रखेंगे। तो इसको करके इस पर राउंड राउंड सिलाई लगा देंगे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, धागा आप मैचिंग का ही लीजिएगा, अलग थ्रेड मत लीजिएगा। तो हम इस पर राउंड राउंड सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये मेरे जितने भी पीस हैं, हम सब पर ऐसे ही करेंगे कि इसको नीचे लगाएंगे और ऊपर ये पीस रहेगा, और इस पर भी हम ऐसे राउंड राउंड सिल लेंगे फ्रेंड। तो मैं ये सारे पीस सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, राउंड राउंड सिल के आप इतनी सी जगह ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये पीस हमें पलटना है, तो इतना गैप बीच में ज़रूर छोड़ना। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये हो गए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमें इतना इतना गैप छोड़ना है, ताकि हम इसको पलट सकें। तो हम पहले इसको कट कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम पहले इसको राउंड राउंड कट कर लेते हैं, थोड़ा मार्जिन छोड़ के, इस तरीके से, ताकि हमारा, अब हम इसको पलटेंगे फ्रेंड्स। तो इसको इस तरीके से गोल 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 हम इसको कट कर लिया है हमने। तो हम ऐसे ही हमें सारे पीस करने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको कट करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, उसके बाद जो हमने यहाँ से जगह छोड़ी है, तो इसको हमें इसी जगह से, पहले हम इसको हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से, ताकि हमें पलटने में आसानी हो। ये राउंड है, तो इसीलिए इसकी शेप ख़राब ना हो, तो हम इसमें बीच बीच में कट लगा रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड, थोड़े थोड़े कट लगा लेंगे, जिससे कि इसे पलटने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कट लग गए हैं, अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए, हो गया फ्रेंड्स, मेरा पीस पलट गया है।
तो इस तरीके से पलटने के बाद भी हम फ्रेंड इसके ऊपर प्रेस करेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है, जब आप इस डिज़ाइन को बनाएं तो किसी कॉटन के या हैवी से कपड़े पर बनाएं, जिससे कि हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत ना पड़े कि हमारा ये रुमाल ही हैवी हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हो गया, तो मैं सारे कट कर लेती हूँ और ऐसे ही राउंड राउंड कर लेती हूँ। और जो ये हमारा जो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है फ्रेंड्स, ये तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो आप थोड़ा सा इसमें थ्रेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, सुई से हल्के हल्के इसमें टाके लगा लीजिएगा, वरना आप इससे भी इजी काम कर सकते हैं। आप इसको ये चिपकाने वाला ले लीजिएगा, पहले आप इस पर प्रेस कर लीजिएगा और इस तरीके से हम इसको चिपका लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर बाद में सिलाई भी करनी है फ्रेंड, तो इसलिए इसमें आप आराम से इसको चिपका सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे तैयार हो गए हैं, हमने ओपन कर लिया, उस पर अच्छे तरीके से दबाव से प्रेस कर लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए फ्रेंड्स, दब जाए इसकी फिनिशिंग से ही। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर राउंड राउंड एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सारे पीस पे एक एक सिलाई लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, धागा थ्रेड हमारा मैचिंग का ही होना चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, अब हम क्या करेंगे, हम पांच पांच का अलग सेट कर देंगे, पांच पीस ये हो गए, तो पांच पीस ये हो गए। तो अब हमें क्या करना है, हम इस पांच पीस को लेंगे और इसको इस तरीके से बिछाएंगे। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इस तरीके से पीस लेने हैं, और ऐसे हम इसमें पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम इसमें पिनअप लगाते चलेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आप अच्छे तरीके से देखिएगा। और लास्ट में ये वाली पिन, तो मैं ऐसे ही अच्छे तरीके से ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, अब जैसे हमने ये पिन लगाई है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें इस तरीके से यहाँ हमने पिनअप लगाया है यहाँ, तो ऐसे ही हम यहाँ सिल लेंगे। तो जैसे जैसे हमने पिनअप किया है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इतनी इतनी दूर पे यहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से कि एक सिलाई यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर इसको ऐसे ही यहाँ पे, फिर एक सिलाई हमारी यहाँ हो गई जैसे हमने पिनअप किया है इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ से 1 इंच और यहाँ से हमें 3.5 इंच, तो 3.5 इंच 3.5 इंच पे इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने इन सब पे
लाइन लगा ली है। तो अब मैं इन पर सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कलियों को खोलेंगे इस तरीके से और इन पर अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो हम ये सारी कली खोल लेते हैं और इस पर हम प्रेस कर लेते हैं। तो पहले हम प्रेस कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी कलियाँ खोल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम इसको इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारी जो कलियाँ हैं, ये फूल हमारा इस पर जॉइंट हो जाए। तो मैं इस पर सिल लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा जो रोटी रुमाल है ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए हैवी भी हो गया और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी फ्रेंड्स, ना इस पे हमें कोई पाइपिंग जोड़नी पड़ी और ना कुछ। और देखिए एकदम स्टाइलिश रुमाल तैयार हो गए हैं। तो आप भी ऐसे स्टाइलिश सी चीज़ें बनाइए और ऐसे रोटी रुमाल बनाइए। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।